नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिता चाहता। मार्केट में आप देख ही रहे हैं कहीं न कहीं समस्या पैदा हुई और सारा का सारा इंपैक्ट आपको मार्केट पर नजर आया, तो और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और आपको तीन टोकन्स ऐसे हैं जिन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बाइनेंस कह रहा है आपको फोकस करने के लिए, तो आपको उन पर जरूर फोकस करना चाहिए। हो सकता है उनमें एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो कौन से तीन टोकन है वो भी आपको बताएंगे। और माफी चाहता हूं कि दो दिन से मैं आपको किसी तरह का कोई अपडेट नहीं दे पाया, तो आप गला देख ही रहे होंगे। आज भी थोड़ा सा बस ठीक हुआ, तो मैं चलो आपके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू कर ली जाए। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम और ट्विटर को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा मार्केट के आखिर चल क्या रहा। फिलहाल BTC आपका देखिए 61,000 के ऊपर चल रहा है, यानी कि 61,100 इसके आसपास। एक डंप आपने अभी देखा जो था इसराइल और ईरान की वजह से। तो देखिए, ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे पंप टोवर को डंप टोवर में तब्दील कर गई, और ये चीजें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब क्या कहां हो जाए, किसी भी इस ब्रह्मांड के कोने में पता नहीं चलता। अब तक रसिया यूक्रेन से परेशान थे, लेकिन अब यहां पर ईरान और इसराइल आपस में भिड़ गए। अब यह ईरान ने तो जो करना था कर दिया है, तो जो ईरान ने किया उसका इंपैक्ट आपने देख लिया। BTC आपका जो है नीचे तक आ गया, यानी 66,000 से और अच्छा खासा आपका नीचे आ गया, जहां पर अच्छा आपको पैनिक भी क्रिएट करके चला गया। अब आगे क्या, तो देखिए आगे यह है कि अब एक चीज फिर दोबारा होगी, और वो तब होगी जब इसराइल इस पर रेस्पॉन्ड करेगा। अब मेन चीज है कि इस करेगा नहीं करेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जो इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो वही है कि वो छोड़ता नहीं है। देखिए, मैं युद्ध के बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ, कहीं भी हो नुकसान हमेशा पब्लिक का ही होता है। सरकारें आपस में लड़ती हैं, कुछ उनके अपने हित होते हैं, कुछ उनकी अपनी कुर्सियां होती हैं, लेकिन इसमें नुकसान एटलीस्ट जो भी होता है ना वो आम पब्लिक का ही होता है। तो आम पब्लिक के लिए तो ये कहीं भी ठीक नहीं, चाहे कहीं भी हो। तो यहाँ लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है सबका, तो यहाँ इसराइल कहीं ना कहीं जब भी रेस्पॉन्ड करेगा तो उसका इम्पैक्ट एक बार आपको फिर से नजर आएगा, यानी कि BTC आपका नीचे जाता हुआ नजर आएगा, पूरा स्टॉक मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो वो जो सीन होगा वो अगर देखिए हम दोबारा से यहीं पर आ गए, मान लीजिए 57,000-58,000 तक रुक गए आगे, तो बहुत अच्छा। अगर यहाँ भी नहीं रुक पाए या यहाँ पर थोड़ा सा ये लगा कि और इसमें देश शामिल हो रहे हैं एक दूसरे के सपोर्ट में, तो फिर हम जो है अच्छे खासे नीचे भी जा सकते हैं, यानी कि वही अपना 50-52 वाली रेंज जहां तक हम पहले भी गए हैं। तो ये कुछ सीन डिपेंड करेगा कि इसराइल और ईरान क्या करने वाले हैं हमारे पंप टोवर को। फिलहाल तो इन्होंने डंप टोवर में तब्दील कर दिया है, और वो भी पहली तारीख से ही इन्होंने जब सब ड्रामा स्टार्ट कर दिया। तो आप कोई भी मार्केट में कदम उठाने से पहले पहले इस वो कहते हैं वर्ल्ड वाइड जो न्यूज चल रही है ना, इसका भी थोड़ा सा फोकस जरूर करें। अब यहां पर आपको मार्केट में फायदा कैसे उठाना है, तो उसके लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना, केवल न्यूज का थोड़ा सा देखना है कि न्यूज आपकी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव भी है, ठीक है जी, रफा दफा हो गया, कुछ नहीं हो रहा, तो आप लॉन्ग ले सकते हो भाई, फिर तो मार्केट ऊपर जाने जाना है। और अगर आपको ये लगता है कि भाई ठीक है, इन दोनों में फिर दोबारा से जो एक तरह से जवानी जंग छिड़ रही है या मिसाइलें दोबारा जंग छिड़ रही है, तो फिर आप मान लीजिए कि नेगेटिव होना ही होना है, तो फिर आप अपने शॉर्ट मारिए और अपना प्रॉफिट बनाइए। तो यही दो सीन है जहां पर अभी आपको प्रॉफिट बुक करना है अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में चल रहा है। लेकिन यहां उनके लिए कुछ नहीं है जो अपना स्पॉट में लॉन्ग टाइम के लिए लेके बैठे, यहां आप स्पॉट में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कुछ ज्यादा बेनिफिट वाला सीन रहेगा। तो इसलिए भाई वो तो होल्ड ही करें, और वेट एंड वॉच उनके लिए तो एक ही स्थिति है। तो ये तो हो गया मार्केट का सीन का आपको कब क्या और कैसे करना है। मैंने कहा कि मैं तीन टोकन आपको कहा कि भाई आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बाइनेंस ने ऐसा बोला है और बाइनेंस कहीं ना कहीं इसमें वोटिंग भी करा रहा है, आपकी राय ले रहा है। तो वो तीन टोकन है आपके नॉट कॉइन, टोन कॉइन और आपका डॉक्स। अब ये क्यों उसने ऐसा बोला है, उसने ये कहा है कि भाई देखिए इनका जो अपना प्रोजेक्ट है मूनविक्स मूनविक्स ये अपना कोई भी फिलहाल टोकन नहीं लाने वाले हैं। ये जो आपसे माइनिंग करा रहे हैं ना मूनविक्स, मैंने भी आपको शेयर किया हुआ है, मैंने बहुतों को इसमें प्रमोट भी किया था। अब दिक्कत ये है कि इनको भी पता है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को रिवार्ड देना संभव नहीं है। इन्होंने क्या करा है, बीच का रास्ता निकाला, और वो बीच का रास्ता ये है कि आप टोन नॉट या डॉग्स में से किसको चाहते हो, तो आपके रिवार्ड के बदले में ये आपको ये टोकन तीनों में से कोई सा एक देंगे। ये डिपेंड करता है कि आप उनको किस पे सबसे ज्यादा वोट करके दे रहे हो। इनके टेलीग्राम पर ऐसा कोई वोट चल रहा है, वोटिंग वगैरह
जहां पर आपको वोट करना है कि आप किस टोकन को चाहते हो जिसमें ये आपको रिवार्ड दे, तो तीनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हो, अपना वोट दीजिए। अब इनके पास जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट पहुंचेंगे, मान लीजिए मुझे लगता है टोन पे ही सबसे ज्यादा पहुंचेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर होगा तो नॉट का होगा, तीसरे नंबर पर डॉक्स हो सकता है, तो इनमें जो है वो अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसी आपके मून विक्स में जो भी रिवार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग क्या रेशियो रखेंगे ये बात की बात है, लेकिन ये अपना मून विक्स जैसा कोई टोकन नहीं ला रहे हैं, इसलिए आपको रिवार्ड में मिलेगा नॉट, टोन या डॉक्स, डिपेंड करता है कि वोटिंग में सबसे ऊपर कौन रहता है। तो ये तीन टोकन ऐसे, मैं तो कहता हूं आप वोटिंग को मारो गोली, माइनिंग भी आप साइड में रख दो। आप जो है अभी जिस हिसाब से नीचे मार्केट आया है, थोड़ी सी बाइंग आप यहां कर सकते हो, तीनों में कर सकते हो आप। इसके बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा तब जब ये क्या न्यूज और निकलती है, क्या इसराइल रेस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। अगर इसराइल ने रेस्पॉन्ड किया तो मार्केट और नीचे आएगा, एक मौका आपको तब मिलेगा। ये दो मौकों पर आप छोटी छोटी सी बाइंग बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि मार्केट जब भी आपका रिटर्न होगा एक आपको मैसिव प्रॉफिट मिल जाएगा। माइनिंग से आपको मिले ना मिले उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको हमने साइड में रख दिया। सॉरी, तो इसलिए मैंने कहा कि इन तीन टोकन्स पे आप माइनिंग के अकॉर्डिंग नहीं, आप मार्केट के अकॉर्डिंग जो है इनपे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी तीनों की होल्डिंग पड़ी हुई है, ऑलरेडी मैं तो बीच में छोटी छोटी सी बाइंग करता रहता हूं, जबकि नॉट मेरे पास बिल्कुल नहीं था और नॉट को मैंने टोटल खरीदा है, क्योंकि नॉट में मैंने कोई माइनिंग नहीं की थी। डॉक्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, टोन वैसे मैंने अपना खरीदा हुआ है। तो देखिए मैं देखूंगा, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसराइल का मैं रेस्पॉन्स देखना चाहूंगा कि अगर मामला रफा दफा हो जाता है वर्ल्ड प्रेशर की वजह से, या वो कुछ ना कुछ लफड़ा और पैदा करेगा, उसके अकॉर्डिंग तीनों में छोटी छोटी बाइंग जरूर बनाऊंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये तीनों प्रॉफिट आपको देकर जाएंगे जब भी मार्केट रिटर्न होगा। तो यहां फिलहाल देखो माइनिंग पे फोकस रखो जरूर, लेकिन भाई अब माइनिंग कुल मिला के थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में भी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। देखो भाई बहुत स्पष्ट बोलूँ मैं, केवल माइनिंग पे ही मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन क्या था वो ट्रेंड है, अभी भी बनाने पड़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बनाऊंगा, बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माइनिंग में मिल कुछ नहीं रहा, केवल एक जीरो मिल रहा है। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ अगर आप जितनी मेहनत इस पर कर रहे हैं माइनिंग पर, अगर कोई गलत ट्रेड भी ले लोगे ना स्टॉप लॉस के साथ, मैं यहाँ एक बार जरूर जोड़ा ना, स्टॉप लॉस के साथ कोई गलत ट्रेड ले लोगे तो मेरे भाई एक ना एक, मैं तुक्के की बात कर रहा हूँ, मैं कोई फंडामेंटल या कोई टेक्निकल चार्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ जो नए आए लोग, माइनिंग से कंपेरिजन कर रहा हूँ कि अगर आप टेक्निकल चार्ट में, छोड़ो मारो गोली नहीं पता नहीं पता, आप अगर कोई रॉन्ग कोई ट्रेड ले लोगे स्पॉट में, फ्यूचर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने स्टॉप लॉस की बात की थी वो केवल फ्यूचर की बात कर रहा था, लेकिन मैं फ्यूचर में भी नहीं जा रहा, मैं स्पॉट में जा रहा हूँ। अगर कोई आप रॉन्ग भी कुछ गलत खरीद लोगे किसी टोकन को, तो भी भाई वो आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगा जो आप माइनिंग में पूरे दिन आपने उंगलियां घिस डाली, स्क्रीन तोड़ डाली। तो ये कुछ और हाल हो गया माइनिंग का, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा अनाप शनाप जुड़ चुकी है और इतनी पब्लिक को रिवार्ड नहीं दिया जा सकता। देखो हसीन सपने दिखाना बहुत आसान है, क्या जाता है, जवानी तो है थोड़ी सी चला दी। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आप बिलीव मत करो, करो जरूर, कहीं थोड़ा सा टाइम मिल जाए कर दो, ठीक है जयराम जी की काम खत्म। भाई मैं तो पूरे दिन में केवल अब एक ही बार करता हूँ, वो भी बस थोड़ा सा टाइम निकाला कर दिया एक बार में, जितना हो गया हो गया, अब मैं उतना टाइम इनमें बिल्कुल भी नहीं दे रहा। मैंने आपसे कहा ना कि कोई गलत ट्रेड भी ले लोगे स्पॉट में तो भी आपको फायदा दे जाएगी, और इसमें क्या है कि पूरा टाइम बर्बाद है पूरी तरीके से, और फिर एक हेडेक भी हो गया है, एक एडिक्शन हो गया है, अरे मेरी माइनिंग रह गई, लाओ माइनिंग रह गई, ये छूट ना जाए वो छूट ना जाए, ये कहीं कि एडिक्शन हो गया और कहीं ना कहीं बहुत गलत हो गया। आप क्रिप्टो को छोड़ के एक माइनिंग वाले उसमें जाओगे एडिक्ट हो गए। तो भाई कोशिश मेरी अभी रहेगी मैं धीरे धीरे आपको डाइवर्ट करूं, क्योंकि देख लिया इनमें मिल कुछ नहीं रहा, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट होंगे तो शायद उनमें कुछ मिल जाए, लेकिन समस्या उनके सामने ही आएगी पब्लिक वाली, कि 50-60-100 मिलियन लोगों को कैसे प्रॉफिट दिया जाए, कैसे एक अच्छा एयर ड्रॉप दिया जाए। हमारे यूट्यूब पर भाई रोज आपको लखपति करोड़पति एयर ड्रॉप से ही बना रहे हैं, बने थे वो टाइम चला गया, फिलहाल ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको मैं कहता हूँ लखपति ही बना जाए। आपको तो नहीं बना सकता, यूट्यूबर तो बन जाएंगे क्योंकि उनके पास रेफरल हो जाता है, कुछ प्रोजेक्ट से भी ले लेते हैं तो वो तो बन जाएंगे,
लेकिन आप नहीं बन सकते, आप तो हजारपति बन जाओ वो भी बहुत बड़ी बात है, उसमें से भी आपको अपना खर्चा निकालना पड़ेगा, जो आपने माइनिंग के लिए डाटा खर्च किया है, अपना टाइम खर्च किया है, तो आप हजारपति भी नहीं बन रहे। खैर जो भी है, माइनिंग पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी ने अपडेट के साथ, नमस्कार।